ध्यान देख रहे हैं दर्शकों का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ ललित। अभी हम पहुंचे हैं गिल रोड। गिल रोड पे ये शॉप है, तो आपको बता दें कि ये खुद भी साउथ इंडिया से हैं, तमिलनाडु से हैं, और यहाँ पर ये करीब 35 सालों से ये डोसे की इन्होंने रेडी लगाई हुई है, और इनके पास अलग अलग वेराइटी के डोसा भी है। हेलो भैया, क्या नाम है आपको? मेरा नाम है रामू जी। तो आज क्या बना रहे हैं फिर आप? अभी मसाला डोसा बना रहा हूँ मैं। कितना साल हो गया इस रेडी को? मेरे जीजा, पहले जीजाजी थे, उनका 35 साल हो गए, उनका 2 साल हो गए एक्सपायर हो के, उसके बाद मैं अभी 1 साल हो गया रेगुलर चला रहा हूँ। तो अभी आप कौन सा डोसा बना रहे हैं? ये मसाला डोसा। जी, मसाला डोसा। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल साउथ इंडियन डोसा बन रहा है, और ये मसाला डोसा यहाँ पे बनाया जा रहा है, और बिल्कुल आपको साउथ इंडियन का जो फूड है वो बिल्कुल स्वाद आपको, वो टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा स्वाद में, क्योंकि अक्सर हमने कई ऐसी रेडियां तो देखी है जहाँ पर हम जाते हैं और साउथ इंडियन फूड ट्राई करते हैं, बट वो जो स्वाद है वो नहीं आ पाता। लेकिन हम यह भी अभी जो बना रहे हैं इनको टेस्ट करेंगे, फिर आपको हम स्वाद भी बताएंगे कि कैसा स्वाद है, क्या वाकई में साउथ इंडियन फूड का जो है टच है वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं। सो हमारी प्लेट रेडी है, इनसे पूछते हैं कि क्या क्या है इस प्लेट में। इसमें सांभर है सर मैडम जी, और टमाटो चटनी है स्पाइसी वाला, और नारियल चटनी है जी। तो आप देख सकते हैं प्लेट काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, तो हम इसको टेस्ट करके भी आपको बताते हैं। थैंक यू। मसाला डोसा है सिंपल, और इन्होंने पनीर की कोटिंग भी की है ऊपर से, आप देख सकते हैं देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब स्वाद में देखते हैं कैसा लगता है। पहले हम खाते हैं नारियल की चटनी। वाकई बहुत यम्मी है, बिल्कुल क्रंची बाहर से, और बिल्कुल मुंह में जाते घुल जा रही है, सॉफ्ट अंदर से और क्रंची है। नारियल की चटनी तो वैसे भी बहुत स्वाद होती है। ये हमारा सांभर है, इसको भी ट्राई करते हैं। सांभर का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल खट्टा है और बहुत अच्छा आ रहा है इसका स्वाद भी। और ये हमारी चटनी है, टमाटो चटनी जो है वो भी उन्होंने सर्व की है। इसका थोड़ा हल्का मीठा नमकीन, हल्का जो तीखा है वो टेक्सचर आ रहा है, और काफ़ी स्वाद है बिल्कुल जैसा, अगर आप कभी साउथ इंडिया गए हैं और आपने वहाँ की जो वहाँ का डोसा वगैरह टेस्ट किया है, और आपको पंजाब में भी बिल्कुल वो टेस्ट चाहिए, तो आप बेशक इस शॉप पर आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्यारी सी फैमिली भी आई हुई है जो यहाँ का डोसा ट्राई कर रही है। मेरे से छोटा सा बच्चा है, पहले इससे बात करते हैं। हेलो, क्या नाम है? शौर्या। शौर्या, शौर्या आपको यहाँ का डोसा कैसा लगा? बढ़िया। पहले भी आए हो यहाँ पे? यस। अच्छा, हर बार यहीं आते हो? हाँ। ओके। हेलो मैम, आप क्या कहेंगे? बहुत टेस्टी होता है यहाँ पे, हर बार यहीं भी खाते हैं हम। वैसे तो काफ़ी रेडियां भी होती है ना, तो क्या हम शिवपुरी से स्पेशल यहाँ पे खाने आते हैं? अच्छा, आप स्पेशल आते हैं? स्पेशल आते हैं। आप क्या कहेंगे सर? बहुत बढ़िया डोसा है जिनका, बहुत दूर से आते हैं जी। स्वाद मुंह को लगा हुआ है, सस्ता भी है, बढ़िया भी है। अच्छा, तो ये पॉइंट करने वाली बात है, एक तो सस्ता भी है और साथ में बहुत स्वाद भी है, और लोग जैसे खुद बताया इन्होंने कि खुद दूर से यहाँ पे आ रहे हैं स्पेशली डोसा खाने के लिए, पूरी फैमिली आई है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आपको बता दें कि जो ये मसाले यूज़ करते हैं ना, ये मसाले ट्रेडिशनल वे में बनाते हैं, खुद घर पे बनाते हैं, जैसे हम आजकल मिक्सी ग्राइंडर का यूज़ करते हैं मसालों को पीसने के लिए, बट इनके साथ ऐसा नहीं है, ये मसाले खुद बनाते हैं और साथ में इन मसालों को सिलवट्टे पे पीसते हैं। जो पुराने रिचुअल्स हमारे हैं, जैसे पुराने दौर में सिलबट्टे पे मसाला पीसा जाता था, वैसे ये रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, और इस वजह से जो इनका जो मसाला है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी होता है, जिस वजह से दूर दूर से कस्टमर यहाँ पर इनका स्पेशली ये डोसा खाने के लिए आ रहे हैं।